असलम आईकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने नाइन्थ और टेंथ की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और अगर अभी तक तैयारी नहीं कर रहे तो अपनी तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट रह गया है आज मैं आर्ट्स ग्रुप का एक और सा सब्जेक्ट होता है एजुकेशन का जिसमें आप लोग फर्दर जाके बैचलर्स भी कर सकते हैं और टीचिंग के करियर को अडॉप्ट भी कर सकते हैं अगर आप लोग इब्तदाई सब्जेक्ट जो है मेट्रिक का सब्जेक्ट इसमें सीरियस होकर पढ़ें और इसी सब्जेक्ट को आगे चलें तो इसके मुतलक टेंथ क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी को यकीनी बनाए स्पेशली उन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करना शुरू की और वो सहम रहे हैं डर रहे हैं कि हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे उनको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप अगर यही सवाल कर लेंगे तो डेफिनेटली पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं आप लोग तो आइए बताती हूँ स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहला सेक्शन है उसमें जो सवाल आएगा तो बताने से पहले आपको यही बता दूं कि इसका फॉर्मेट भी वही है आप लोग देख सकते हैं कि तीन किस्म के आप लोगों से सेक्शंस के सवाल पूछे जाएंगे और पहले सेक्शन के जो मुख्तर सवालात हैं वो ये हैं कि तालीम के दो मदराज बयान करें इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है पेशा वाराना तालीम से क्या मुराद है कानून की तालीम से क्या मुराद है पाकिस्तान की तलीमी पॉलिसी के दो अहम मकसद बयान करें आम तालीम से क्या मुराद है होम इकनॉमिक्स की तालीम से क्या मुराद है मजहबी तालीम के दो मकदद बयान करें और पाकिस्तान में तालीम के दो मकासद बयान करें ये आपका पहला सेक्शन है जिसमें से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं इसमें आप लोगों के पास ऑप्शनस भी आएंगी कि इसमें इतने सवाल में से आपने कोई से पाँच या कोई से छः सवाल के जवाब देने हैं अच्छा जो मुख्तर सवाल का सेक्शन नंबर टू है उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो यही है वक्ूफ़ी अंदाज से क्या मुराद है ट बुक बोर्ड का बुनियादी काम क्या है ये बयान करें तदरीसी मुराद से क्या मुराद है दो तदरीसी तरीकों के नाम लिखें नसाब की असासी हसीियत क्या है नसाब के दो अज्जा के नाम लिखिए दो हम नसाबी सरगर्मियों के नाम मतलब दो हम नसाबी सरगर्मियों के नाम आप लोगों ने तहरीर करने हैं मदरसे के माहौल की इकसाम कौन कौन सी होती हैं वो आपने बयान करनी है निसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है तालीम का जदीद मफूम बयान करें तदरीसी मसाइल की दो मिसालें दीजिए ये आपका दूसरा सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसके आप जिसमें से आप लोगों ने इन सवाल की तैयारी करनी है और इनमें से छः या पाँच जितने वो आप लोगों को बताएंगे उस सवाल के जवाब देने हैं लास्ट सेक्शन जो मुख्तर सवाल का है उसमें से सबसे पहला सवाल ये है किलब इलम के किरदार की दो नुमाया पहलू बयान करें कोई दो तहरीरी सरगर्मियों के नाम तहरीर करें मुशार किसे कहते हैं तलबा को पेश आने वाले दो मसाइल के नाम लिखें कोई से दो जिस्मानी सरगर्मियां तहरीर करें माहौल की तारीफ बयान करें नसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है रहनमाई के लगवी मनी क्या हैं तालीमी सफर की अहमियत बयान करें और मौलम के दो अहम फरज़ तहरीर करें मतलब टीचर्स के तो उस्ताद है मौलम है आपका उसके दो फरज़ आप लोगों ने तहरीर करने हैं। तो ये था आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन अगर आप यही सवाल सिर्फ तैयार करते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग पास अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे और हो सकता है कि आपके अच्छे अबव एटी परसेंट मार्क्स भी आ जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इतनी सी छोटी सी बुक होती है आपकी एजुकेशन की उससे उसमें से आते हैं चलिए अब आपको मैं इसी सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ लेके जाती हूँ कि इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आप लोगों ने तैयार करने हैं मैं आपको पाँच से छः लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊँगी सिर्फ आप वो कर लेंगे तो डेफिनेटली उनमें से आपको पूछेंगे ही पूछेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट के हैं उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि पेशा वाराना तालीम से क्या मुराद है कोई दो अहम पेशों की वजाहत करें ठीक है और क्वेश्चन नंबर टू है कि तालीम के कोई दो मदारज तफसील से बयान करें अजाए तकरीबी नसाब में रबते से क्या मुराद है सानवी तालीम और आला सानवी तालीम को वजाहत करें मतलब आपने डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है नसाब का महफूम बयान करें और जो आखिरी सवाल है वो है मदरसा में हम नसाबी सरगर्मियों की तफसीली अहमियत बयान करें तो ये आप लोगों के इंपॉटेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आप लोग तैयार कर लें इसमें से डेफिनेटली तीन या चार लाजमी आ सकते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं और फेडरल बोर्ड से तल्लु रखने वाले भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर सकते हैं और पंजाब बोर्ड से भी स्पेशली मैं बताऊँगी कि ये पंजाब बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो जितने पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनका तल्लु लाहौर गुजरा फैसलाबाद रावलपिंडी सरकोदा मुल्तान या कहीं इस तरह के किसी भी पंजाब के इलाके से है साहिबाल डी जी खान वगैरह से भी तो वो लोग इनसे तैयारी लाजमी कर लें एजुकेशन की तैयारी अपनी लाजमी कर लें तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा मैं दोबारा आऊँगी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त अल्लाफ